ये ग्रंपी ओल्ड अंकल वाली बातें हैं कि मिमिक्री हो गई, आहत हो गए। अरे छोड़िए, देश में बहुत तमीज से बात करो। उनके बारे में तो तुम्हारी पैर के अंगूठी के बराबर नहीं हो सकते। आप सीनियर एडवोकेट बने कैसे? रिश्वत दी थी क्या? तू करके बात कर रही है? किसने बुलाया? पहले अपने दांत लगा के आइए। पीछे गिलास में पानी के साथ पड़े हैं। कौन आप? खांसी वाला काम था? कौन है बकरमान? कहां है? कौन है? पता चला देश रोहियों। आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट में आम आदमी पार्टी प्रवक्ता जो प्रियंका कक्कड़ अच्छी खासी हालत होने वाली है, क्योंकि डिबेट के दौरान वो कुछ ऐसा बोल देती है, उसके बाद गौरव भाटिया उसको पूरी डिबेट में अच्छी तरह रगड़ देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट को। यानी जो आसन है वो जेल में भी हो सकते हैं, ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस उपराष्ट्रपति का मखौल, ये सब कुछ उल्टा दाव पड़ गया। प्रियंका जी, अमित जी, सभी को नमस्ते। अमित जी, आजकल क्या चल रहा है हमारे देश में ना, मॉकरी चल रही है, डेमोक्रेसी की मॉकरी चल रही है कि 25 करोड़ लोगों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको बाहर कर दिया। मॉकरी चल रही है लोगों की कि अमित शाह जी बोलते हैं कि 450 का सिलेंडर मिलेगा राजस्थान में, और फिर राज्यसभा में लोकसभा में बोलते हैं कि हमने ऐसी कोई घोषणा नहीं की। मॉकरी चल रही है कानून की कि छगन भुजबल के अगेंस्ट ईडी कोर्ट में कहती है कि फाइलें खो गई, हम केस वापस ले रहे हैं जब वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। मॉकरी चल रही है महिलाओं की, आज आपने देखा साक्षी मलिक के साथ क्या हुआ। आज कोई जाट भावना आहत नहीं हो रही कि एक जाटनी के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये मॉकरी चल रही है हमारे देश में बड़े टाइम से, और अब मुद्दों की बात करने की जरूरत हो गई है। इसमें प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि हम लोग ना जो भाजपा कर रही है उसके ऊपर कहीं डिस्कशन नहीं हो रहे। मणिपुर में मास बरियल हुआ, कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। जो ये झूठे वादे करके राजस्थान जीता गया, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही। ये कानून कैसा है कि आप बिना किसी एविडेंस के किसी को कितना लंबा टाइम पीएमएलए के केस में अंदर रख सकते हैं, पर जिसको बाहर छुड़वाना हो, भाजपा में शामिल करवाना हो, तो ईडी कोर्ट में बोल देती है कि फाइलें खो गई, केस वापस लेना है। तो ये क्या, ये मॉकरी ही चल रही है जो सब चल रहा है? और ये ग्रंपी ओल्ड अंकल वाली बातें हैं कि मिमिक्री हो गई, आहत हो गए। अरे छोड़िए, देश में बहुत बड़े अंकल वाली बातें हैं। हमारा आप कह रही है, यू आर सेइंग ग्रंपी ओल्ड अंकल वाली बात है, शर्मसार कर दिया इन्होंने, शर्मसार कर दिया। गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे? गौरव भाटिया, गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया जवाब, ईडी ने सारा केस वापस ले लिया। गौरव भाटिया जवाब। देखिए, अभी आप एक बात बताइए, संसद के परिसर में अगर कोई अरविंद केजरीवाल की तरह मफलर डाल के, नौटंकी करके, डबल साइज की बुशर्ट पहन के खांसता रहे तो भी ये यही कहेंगी क्या? आप बदतमीजी पे क्यों आ गए? मैंने बोला कम पढ़े लिखे झूठी नकली डिग्री वाले, मैंने ऐसा कुछ बोला? शांत कराइए, आप पर्सनल क्यों हो जाते हैं? आपको तमीज नहीं है बात करने की? पहले सपा में आपने अपनी दाल नहीं, अपनी इतना टाइम आपने वहां से सीखा, आप सपा को गालियां निकालते हैं। आपको बिल्कुल कोई लॉयल्टी? पहले अपने दांत लगा के आइए। पीछे गिलास में पानी के साथ पड़े हैं, पहले दांत लगाइए। मुंह में दांत नहीं पड़े, थोड़े डफर हैं आप। सीनियर एडवोकेट बने कैसे? रिश्वत दी थी क्या? नहीं नहीं, देखिए पर्सनल क्या, आपको तमीज आप पहले बनिएगा, फिर पता चलेगा आपको क्यों बात होती है। मेरा नहीं बेटे, मानिए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को आउट कीजिए। क्या आई है, बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं? सर की राज्य डिबेट का, डिबेट करनी आती है? कैसे बने हो सीनियर एडवोकेट? पैसे देकर मेरा निवेदन स्वीकार करें प्लीज। अबे डफर आदमी, ये कैसे इन्होंने उपराष्ट्रपति को ग्रंपी ओल्ड मैन बता दिया? मैं समझता हूँ ये दर्शाता है कि इनकी मानसिकता क्या है। और दूसरी बात, इन्होंने मेरे संदर्भ में कही, लेकिन ठीक है, मुझे गाली देते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने कहा कि आपको सीनियर एडवोकेट रुपए दे के बनाया गया है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जजेस बनाते हैं सीनियर एडवोकेट। मैं सर्वोच्च न्यायालय से बना हूं। इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सारे जजेस जो है सर्वोच्च न्यायालय के, उनको बता दिया रिश्वत दी जा सकती है। अरे दलाल कोई है तो अरविंद केजरीवाल है पापी आपका। ईडी का समन आया है और वो भाग खड़ा हुआ है। मैं आपत्ति दर्ज करते हुए ये बात बोलूंगा, संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति बैठे हैं उनके बारे में अगर कोई हल्की घटिया टिप्पणी करेगी तो ये उचित नहीं है। और आपके चैनल को देखना चाहिए, देश के उपराष्ट्रपति और न्यायपालिका पे ऐसी ओछी घटिया हल्की टिप्पणी करने वाली प्रवक्ता यहाँ कैसे बैठी है? मेरा निवेदन है मर्यादित बात कर रखी जाए।
आपने ऐसा इनको तो नहीं कहा मर्यादित बात रखने को, आपको सभी को निवेदन कर रहा हूं जी, आपने इनको तो नहीं कहा, मैंने तो सभी को बोला, नहीं टोका, आप सबसे पहले इनसे माफी मंगवाइए, इन्होंने नेशनल टेलीविजन पर मेरा मजाक उड़ाया है और उसके रिस्पांस में मैंने रिटॉर्ट दिया क्योंकि इतना घटिया स्तर सीनियर एडवोकेट का ग्रंपी ओल्ड मैन किसने कहा था अमित जी, बताइए आप, आज आप दूसरी चीज, आज आप जज का भी काम करिए, ग्रंपी ओल्ड मैन किसने कहा उपराष्ट्रपति को, बताइए आप तू तू करके बात करिए, चुप रहिए, चुप बिल्कुल, तू तू करके बात करिए, ओल्ड मैन किसने बुलाया उपराष्ट्रपति को, गौरव बाबू शांत होइए, आपकी याददाश्त चली गई है क्या, कुछ डाल नहीं, सुनिए च्यवनप्राश खाइए, आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, गौरव जी आप शांत रहिए, आपकी जबान पे लगाम देना नहीं आता है, ग्रंपी ओल्ड मैन आप हमारे देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाएंगे और हम लोग यहाँ सुनेंगे, गौरव आप शांत हो जाइए, मुझसे मुखातिब होइए, मुझसे बात करिए, मुझसे बात करिए, आप मुझसे मुखातिब होइए, मैं क्यों, आप उनसे क्यों नहीं कह रहे मर्यादित बात करने को अमीश जी, आप उनसे क्यों नहीं कह रहे मर्यादित बात करने को, आपको उनकी बातें ठीक लगी थी, मैंने आप भाजपा समर्थक हैं क्या, मैंने तमाम पैनलिस्ट से निवेदन किया, मैंने ना उनसे निवेदन किया, एक सेकेंड, मैंने तमाम पैनलिस्ट से निवेदन किया क्योंकि आप दोनों की तलखी बहुत बढ़ गई थी, इसलिए मेरा निवेदन है, बस मैं तो अपने कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाना चाहता हूँ, आप अपनी बात को रखिए, माफी मंगवाइए इस महिला विरोधी पार्टी के प्रवक्ता से, जी आपने कहा पर्सनल मत होइए, जहाँ तक मैं जानता हूँ आप भी भारत के नागरिक हैं और मैं भी भारत का नागरिक हूँ, हमारे देश के उपराष्ट्रपति को पहले ग्रंपी ओल्ड मैन कहा, आप खुद इस बात का, नहीं नहीं सुनिए अभी बीच में, आपने टोका होगा, मैं उनकी याददाश्त तरोताजा कर रहा हूँ, लगता है वो गजनी है, एक बात कही आप उपराष्ट्रपति के लिए गलत शब्द कहे और सीजीआई और सारे तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, आप कहते हैं उनको रिश्वत देके सीनियर एडवोकेट बन गए, आप बताइए इससे ज्यादा आपत्तिजनक क्या है, और सवाल आपके कन्वीनर से, शांत शांत चुप कराइए, आप देखिए जहां जहां जाती है डांटा जाता है, सुनिए अब देखिए शांत आपका दिमाग चलता है ठीक से नहीं चलता है, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल आप चुप रहिए, आपने आपको कैसे पता मैंने ग्रंपी ओल्ड मैन किसके लिए कहा था, चलो सवाल तू तू करके बात करेंगे, सवाल सवाल आप मेरे नेशनल कन्वीनर से मेरे लीडर के लिए तू तू करेंगे, है कौन आप, खांसी वाला कहां था, कौन है ग्रंपी ओल्ड मैन, कहां है कौन है, पता है कितने ग्रंपी ओल्ड मैन है, कौन है बताइए, कौन है ग्रंपी ओल्ड मैन।